हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग को। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था सिग्नलिंग, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को जो कम करने के लिए सोल्यूशन है सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग। एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही दो जो है आंसर, आपको ये दो टॉपिक जो है आंसर में आपको लिखने हैं। इनके बारे में अलग से पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोल्यूशन फॉर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम इसकी डिफाइन समझते हैं। तो स्क्रीनिंग क्या है? यहाँ पे ये स्क्रीनिंग क्या करता है, जो अनइन्फॉर्म्ड पार्टी है उसको पुश किया जाता है कि जो इन्फॉर्म्ड पार्टी है वो उसको रिवील करे अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस के केस में देखा था, जैसे मैंने आपको कार वाला बाइक वाला इंश्योरेंस बताया था कि जहाँ पर जो है कि जो कस्टमर होता है, भाई जो एजेंट प्रिंसिपल है वो अपनी कार अपनी बाइक का जो है पहले देखभाल करता है। जैसे इंश्योरेंस हो जाता है तो वो केयरलेस हो जाता है क्योंकि उसकी जो बाइक है वो इंश्योर्ड हो गई है। लेकिन यहाँ पे अब जो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो स्क्रीनिंग इस चीज़ में जो है हेल्प करती है कि जो जो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी पर्सन इन्वॉल्व है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी अवेलेबल कराए। तो एक कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, डील करती है ऑटो इंश्योरेंस में। कंपनी का एम है कि वो चार्ज करेगी चीप प्रीमियम, ठीक है, कम प्रीमियम चार्ज करेगी उन ड्राइवर से जिनका कि उन जिनके साथ लोअर रिस्क है कि उनका एक्सीडेंट होगा, और चार्ज करेगी हाई प्रीमियम उन ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से जिनका चांसेस ज़्यादा है कि उनका एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेज हैं। अब ये कंपनी कैसे मेजर करेगी कि इस पर्सन के साथ एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेज हैं एक और इस पर्सन के साथ कम चांसेज हैं? तो यहाँ पे क्या करेगी, भरोसा करने की बजाय कि ड्राइवर के वर्ड्स पे भरोसा करने की बजाय कि वो बोलेगा भाई मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं बहुत ध्यान से चलाता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी कंडक्ट करेगी एक्सटेंसिव रिसर्च ड्राइवर्स के बैकग्राउंड पे, ठीक है, कि उनका भाई पास्ट में उनके कितने टाइप ऑफ एक्सीडेंट हुए हैं, और तो इस वे में वो डिटरमाइन कर पाएगी रिस्क को कि भाई अब इससे वो जो है कंपनी पता लगा पाएगी कि फ्यूचर में उसका जो एक्सीडेंट होने कितने चांसेस है। तो जो प्रोसेस है कि बैकग्राउंड चेक करने का, ड्राइवर का एस्टिमेट करना कि रिस्क जो कितना एसोसिएट है उसके साथ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग, ठीक है, इसी को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है इनेबल करती है कंपनी को डिफ्रेंशिएट करने में कि ड्राइवर जो है ड्राइवर में और जो ऑफर इंश्योरेंस पैकेज है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर उसी हिसाब से वो प्रीमियम चार्ज किए जाएंगे। तो स्क्रीनिंग जो अलाउ करती है कंपनी को, उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है और उनकी कॉस्ट जो है कम होती है। अगर कोई ड्राइवर ज़्यादा रिस्की है तो उसके इवेंट होने के जो एक्सीडेंट होने के इवेंट जो ज़्यादा है तो उनसे ज़्यादा कंपनी जो है प्रीमियम लेगी, क्योंकि उनको एक्सपेंस भी कवर करना है। अगर उनको भाई एक्सीडेंट हो जाता तो कंपनी को जो क्लेम भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्क्रीनिंग नहीं होती है कि कंपनी बैकग्राउंड नहीं चेक करती है, इंश्योरेंस कंपनी उनको नहीं रिस्क के बारे में कुछ भी आइडिया कि इनके साथ कितने चांसेस है एक्सीडेंट होने के, तो यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट हो सकती है, क्या पता वो उनसे लोअर प्रीमियम ले रहे और बाद में उन्हें ज़्यादा भरपाई करनी पड़े, ठीक है। तो जो मेन एडवांटेज है स्क्रीनिंग का वो यही है कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में वो कम होती है और एफिशिएंट रिसोर्स जो है रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन होता है। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।